तारामंडल स्थित वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला में लोगों को सूर्य ग्रहण को देखने के लिए प्रबंधन द्वारा व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत दो टेलीस्कोप और सोलर चश्मे की मदद से लोगों ने सूर्य ग्रहण का दीदार किया। वहीं वैज्ञानिकों ने इस मौके का इस्तेमाल जहां खगोलीय घटनाओं के अध्ययन के लिए किया, वहीं आम लोग भी बड़ी संख्या में इसके गवाह बने। आपको बता दें कि गोरखपुर में 10:32:54 पर चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़नी शुरू हुई। 12:19:14 से 12:19:51 पर सूर्य ग्रहण का मध्यकाल रहा। 37 सेकंड तक 85% सूरज को चंद्रमा ने ढक लिया था। उसके बाद चंद्रमा की छाया सूर्य से हटनी शुरू हुई। 2:04 तक गोरखपुर में सूर्य ग्रहण देखा गया। उसके बाद मोक्ष काल शुरू हुआ और 3:04 पर सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए दर्शक नीरज गुप्ता, प्रीति गुप्ता और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला के वैज्ञानिक अधिकारी महादेव पांडे ने कहा। मुझे देखना क्या सोफा जो सब खेल है यहाँ पे चश्मा ले लिए हैं कि सोचल जैसे उसकी जरूरत नहीं चलती। अच्छा, मतलब किनारे किनारे से रिंग दिखाई देगी कि अच्छा, बीच में वो गैपिंग रहेगा, बीच में काला दिखाई देगा, वो उसको बोलते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। ये जो स्थिति अभी बन रही है 12:15-12:00 वो देखने लायक होगी कि इसके रिंग बनता है। साढ़े 12:30 सर एकदम सीधा हो जा रहा है। देखो सच देखो और आप ऐसे लाइन में लगकर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बना करके देखो, हमारे लिए भी सुविधा रहे, आप लोगों के लिए भी रहे। ठीक है, रेड है, रेड का स्पॉट आ रहे हैं, ब्लैक बहुत बारीक छोटे छोटे फाइन होंगे, थोड़ा टच करके देखो तभी समझ आएंगे, क्योंकि सूर्य बहुत हल्का है। बहुत हल्के इधर उधर आप वहाँ पर टच करके देखो, उसमें वो ब्लैक स्पॉट्स नजर आए पड़ गए, वो फोटो स्पेयर तो भी, लेकिन तो टेलीस्कोप वगैरह में हाथ कोई ना लगाओ, तो हाँ उसको टच ना की, हाथ से ट्रांसफर हो जाए ये जिम्मेदारी आप लोगों की सोचा की होगी, मेरी जिम्मेदारी। अरे चिपकाइए उसको, जैसे नॉर्मल फिल्टर यूज करते हो चिपकाइए, लेकिन यहाँ देखो टाइम का डिफरेंस आ रहा है, आएगा ही आएगा, देखेगा कोई पैर ना रहेगा। मेरा नीरज गुप्ता, हाँ हम यहाँ पे आज जो सोलर इक्लिप्स हुआ है वो देखने के लिए आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो टाइमिंग थी वो 10:32 पे थी। आज तो उम्मीद कम था कि गोरखपुर से दिखे, पर मौसम साफ हो गया इसलिए हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, और यहाँ पे टेलीस्कोप लगे हुए हैं और बाकी सोलर ग्लासेस मिले हैं जिसके थ्रू एकदम क्लियर दिख रहा है कि कैसा सोलर इक्लिप्स हो रहा है, और अभी ऑलमोस्ट 90% तो क्लियर दिख रहा है, और अभी इसका टाइमिंग 2:20 तक है और 12:19 तक ये पूरा फुल रिंग दिखेगा, जिसको एकदम प्रॉपर रिंग ऑफ सोलर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे वैज्ञानिक भी लगे हैं बताने की, क्या जानकारियाँ दी गई हैं? हाँ, रीजन मतलब वही बताएं कि कैसे सोलर इक्लिप्स होता है, जब मतलब वही मून का जब शैडो पड़ता है उस पे अर्थ पे तभी होता है। सर प्रीति गुप्ता, हमने सोलर इक्लिप्स देखा और वो लगभग रेड कलर्स में थे, और यहाँ पे बताया भी गया क्या क्या बताया गया आपको इसके बारे में, सूर्य ग्रहण के बारे में? नेकेड आई से नहीं देखने का, और ग्लासेस लगाए देखने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगा के देखने को। महादेव पांडे, वैज्ञानिक अधिकारी वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला तारामंडल गोरखपुर। आज जो है वलयाकार सूर्य ग्रहण जो है दिखाया जाएगा, और वो हम वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला में इसकी व्यवस्था दूरबीन से खुद को देखने के लिए किया था, लेकिन लोगों में बच्चों में इतनी उत्सुकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए और सोलर चश्मे से इनको आज के जो अलौकिक खगोलीय घटना है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं,
और किया भी है। काफ़ी लोग बच्चे जो है टेलीस्कोप से देख करके इस खगोलीय घटना का आनंद ले रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं, उनमें उत्सुकता भी है कि ये खगोलीय घटना है, ये कोई अचंभित चीज़ नहीं है, कोई अंधविश्वास इसमें नहीं है, कोई रूढ़िवादिता नहीं है। इसलिए ऐसे खगोलीय घटना के विषय में नए बच्चों को, युवा वैज्ञानिकों को, युवा लोगों को जानकारी जरूरी है, जिससे भ्रांतियां जो समाज में फैलती हैं वो दूर हो सके। इस उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और हमारा ये नक्षत्रशाला वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला तारामंडल ये प्रयास करता है कि खगोलीय घटनाओं की विधिवत जानकारी लोगों तक पहुँचे, जिससे अंधविश्वास व भ्रांतियाँ खत्म हो सकें। सर, लोगों को जानकारी भी इसके बारे में दी जा रही है, क्या बताया जा रहा है? जानकारी ये दी जा रही है कि ये 10:32 से चंद्रमा सूरज को ढकना शुरू कर दिया है और लगभग 12:19:36 पर आंशिक तौर पर यहाँ पर ढकेगा और वो समय नोट किया जाएगा कि कब तक ये सूरज को चंद्रमा ढकता जा रहा है, वो समय कैलकुलेट करके हम ये बता सकेंगे कि गोरखपुर में कितने बजे तक बलयाकार सूर्य ग्रहण रहा।